को पहले लिखते हैं, फिर स्टोरी को के अकॉर्डिंग जो फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग डायलॉग सेट करते हैं, या आप लोग के जहन में कैसे ये जो थॉट आता है कि आप एक स्टोरी शुरू कर रहे हैं, फिर सीन के मुताबिक आप लोग डायलॉग एकदम सटीक बैठाते हैं, वो कला कहाँ से आएगी और कैसे आएगी थोड़ा बताएंगे? देखिए क्या है, जो राइटिंग का एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, ये राइटिंग का बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है ये। बेसिक है सिनेमा में राइटिंग में कथा, पटकथा और संवाद, स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग, राइट। स्टोरी एक कहानी होती है जिसका एक कहते हैं स्टार्ट होता है, एंड होता है, इंटरवल होता है, उसमें फिर हम स्क्रीन प्ले यानी पटकथा यानी उसको हम विस्तार करते हैं, डेवलप करते हैं, वो स्क्रीन प्ले होता है। डायलॉग में क्या होता है कि जो भी कैरेक्टर्स हम बनाते हैं, लाइक चुलबुल पांडे एक कैरेक्टर है, चुलबुल पांडे कैरेक्टर, तो चुलबुल पांडे है एक शरारती पुलिस ऑफिसर जो आपको एंटरटेन करेगा, जो आपको मजा देगा, तो चुलबुल के अंदाज में चुलबुलपन होना चाहिए उसके डायलॉग में, है ना, उसका तरीका चुलबुलपन जैसा होना चाहिए। देन फिर वैसे लाइन्स हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो डायलॉग क्या होते हैं, डायलॉग होते हैं सीन के कंटेंट को ठीक से कन्वे करना। दृश्य में क्या है, दृश्य में बाप और बेटे के बीच में अगर फाइट है, लड़का घर छोड़ देता है इस फाइट से, तो दोनों के बीच में फाइट जो है, बातचीत जो है, झगड़ा जो है, वो डायलॉग है, ठीक है। और आपका लड़का किस तरह के बैकग्राउंड का है, क्या उसका कैरेक्टर है, कैसा उसका बिहेवियर है, वैसी वो लाइनें बोलेगा। फादर का जो अपना नेचर है वैसे फादर बात करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले कैरेक्टर्स को हम बनाते हैं कि किस तरह का चरित्र है और ये कैरेक्टर कैसा बिहेव करेगा, अपने कैसे बात करेगा, ऐसा बनाते हैं। फिर हम वैसे ही डायलॉग उसमें हम लेते हैं। बेसिक है डायलॉग सीन की जरूरत के हिसाब से होते हैं कि सीन में क्या कन्वे करना है, लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से कन्वे करना है। लेकिन ये जो फिल्में मैं लिखता हूँ, कॉमर्शियल फिल्में बोलते हैं इन्हें, इन फिल्मों में हम डायलॉग बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं, इन फिल्मों में वास्तविक लाइनें नहीं लिखते हैं, इन फिल्मों में हम आपको एंटरटेन करने के लिए डायलॉग बाजी करते हैं, इसे डायलॉग बाजी बोलते हैं। तो वो एक डायलॉग होता है जिसको हम स्पेशल देखते हैं। बाकी संवाद एक दूसरे के साथ बातचीत ही संवाद है जो हम अमूमन जिंदगी में भी करते हैं एक दूसरे के साथ। जी तो फिर अभी आगे क्या कर रही है? दिलीप जी, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, जी ऐसा क्या रहा जो आपको लखनऊ से बॉम्बे जाने को, जिसे दिल ने आपको मजबूर किया या आपकी इच्छा जगी, उसकी प्रेरणा किसके पीछे, मोटिवेशन क्या था? उसमें भी है कि चूंकि मंडी बॉलीवुड है ना, और लखनऊ में तो थिएटर ही करता था मैं, तो बेसिक है कि थिएटर में जब एक दो नाटक लिखे और वो अच्छे लगे लोगों को, तो मन में ऐसा आया कि अगर मैं अपनी बात ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ तो फिल्में वो जरिया है, फिल्में वो माध्यम है, तो फिर मैं फिल्मों की तरफ रुख करके बॉम्बे आया। लेकिन वो एज इतनी कम थी मेरी कि मैं पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि मुझसे क्या हो रहा है। वहां से लौट के कभी लखनऊ के थिएटर की तरफ भी जाते हैं, देखते हैं जो जो नाटक आपने लिखे थे जहां से उठे थे? हाँ, अभी वो नाटक मैंने बॉम्बे में भी रिपीट किए, हाँ, और लखनऊ से जुड़ा हूँ, थिएटर वगैरह अभी भी मैं देखता हूँ, थिएटर से जुड़ा हुआ हूँ। फिल्मों में इसलिए आया कि फिल्मों के जरिए बात ना ज्यादा लोगों तक पहुँचती है, तो फिल्में अट्रैक्ट करती हैं किसी भी कलाकार को फिल्में, तो उस हिसाब से आया। बट कुछ प्लान नहीं था, बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं आया था, मैं कहूँगा कि वो एक नासमझी का निर्णय था, क्योंकि अगर राह न मिलती तो लाइफ भी खतरे में डाली थी मैंने, क्योंकि एज बहुत कम थी मेरी। लेकिन होता क्या है कि वो एज फैक्टर नहीं होता, कब आपके दिल में क्या लग गया है आपको पता नहीं कि आप क्या पाना चाहते हैं। इसलिए मैं यंग बच्चों को बोलता हूँ कि जब भी कुछ पाने का ख्वाब देखो तो प्रॉपर एक चैनल के साथ, एक प्रोसेस के साथ आगे आओ, तो आपको कठिनाइयां कम उठानी पड़ेंगी और ज्यादा आसान हो जाएगा आपका लक्ष्य, आपका गोल। लखनऊ, चंडीगढ़ ऐसे छोटे शहरों के, लुधियाना के शहरों के थिएटर जो है वो दिलीप शुक्ला देते रहे या आपको देते, तो ये अब क्या अभी भी आप उनमें पोटेंशियल वैसे ही देख रहे हैं लखनऊ में या चंडीगढ़ में या जगहों पर थिएटर्स में, ये कैसे देखते हैं आप थिएटर्स को? देखिए थिएटर के लिए अभी थोड़ा ऐसा भी है कि अभी की जनरेशन में थिएटर ना एक मीडियम सा लगता है फिल्मों तक जाने का, है ना, ज्यादा बच्चे ना इस तरफ रुख करते हैं कि थिएटर माध्यम बनेगा फिल्मों तक जाने का, तो ये ठीक है। और थिएटर जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए कि थिएटर ना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, थिएटर आपको तैयार करता है एक तरह से, और थिएटर में आप जब परफॉर्म करते हैं तो आप सीधे सामने बैठे आदमी का रिएक्शन देखते हैं,
तो मुझे लगता है थिएटर आपके बेस को बनाता है, अगर आप आगे एक्टिंग में आना चाहते हैं तो थिएटर आप करेंगे तो थिएटर से आपको मदद मिलेगी। थिएटर अच्छा हो रहा है, लखनऊ में भी अच्छा थिएटर हो रहा है और सब तरफ काफ़ी जनरेशन की तरफ आ चुकी है थिएटर की तरफ, तो थिएटर मैं कहूँगा कि थिएटर की स्थिति अच्छी है, आज अच्छा काम हो रहा है थिएटर में। सर जी जनाब, मैं भी एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। हाँ तो सर, जैसे कि आजकल ये जो चल रही है ज़्यादा बातें आती हैं, हाँ जी, ज़्यादा बातें जो आती हैं कि मुंबई जाने के बाद बहुत कोई फंस जाते हैं, तो इसका इसका सॉल्यूशन क्या है कि सर राइट वहाँ पर हमको कैसे पकड़ में आएगी मुंबई जाने के बाद, और राइट और रोंग कैसे पकड़ में आएगी ताकि हम फर्जीवाड़े से बच सकें। और सर उसमें एक और क्वेश्चन है मेरा, नहीं सर क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन हो गया। और सर है कि अगर हम एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो बीच में तकलीफ बहुत आती है, कभी कभी लिखने में भी बहुत दिक्कत होती है, उस डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ, ये थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए सर। किसी ने पूछा कि यार तैरना चाहते हैं हम, तो किसी ने कहा ऐसे ऐसे तैरो ऐसे तैरोगे, किसी ने कहा ऐसे तैरोगे, एक व्यक्ति ने कहा कूद जाओ अपने आप तैर लोगे, कूदो तो मतलब कूदना बहुत आवश्यक है। देखिएगा राइट और रॉन्ग हम पकड़ नहीं पाएंगे जब तक हम रॉन्ग नहीं पकड़ेंगे, तब तक राइट कैसे पकड़ेंगे। जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है कि दूर दूर से आप सब जान लेंगे पहले कि क्या क्या सब ठीक है, तब वो आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप वहीं रह करके वहीं पे लड़ करके जानेंगे क्या सही क्या गलत है, दूर दूर से कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। और रही काम की मेच्योरिटी की बात कि हम राइटिंग कैसे सीखें या हम अच्छे राइटर कैसे बने या अपनी गलतियों, उसके लिए मैं कहूँगा कि मैं भी, मैंने कहा है कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं हूँ, मैं राइटिंग की विधा कहीं से नहीं सीखी है, लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद मैं ऐसे लोगों से जुड़ा रहा हूँ लगातार जिनसे मुझे सीखने को मिला, ऐसे लोगों को मैंने तलाशा, ऐसे लोगों को पकड़ा मैंने और उनके साथ जुड़ा। ये सब खुद करना पड़ता है, ये खुद करना पड़ता है, ये खुद आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन ये हो जाएगा अगर आप तय करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मुझे लगता है बातचीत ठीक ठाक हो गई। हाँ खालिद बताया अभी क्या सेवा है मेरी। फोटो ग्रुप फोटो हमारे ग्रुप फोटो अच्छा।